नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम तुषार और आज से लोग देख रहे हो गेमिंग जोन। ओके सो आज की आप सभी लोग के लिए सही में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपने एंड्रॉइड डिवाइस में हम डाउनलोड करने वाले हैं GTA San Andreas को। तो इस गेम की साइज़ की बात करें, 2 GB इस गेम का साइज़ है और ये प्ले स्टोर में बिल्कुल पेड है। 220 रुपये का गेम है ये प्ले स्टोर पर। आज हम इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने वाले हैं और इस आज हम इसे डाउनलोड करने वाले 230 MB में सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 GB बचाने वाले हैं। तो जितने भी जियो यूज़र होते हैं उन्हीं के लिए है वीडियो, क्योंकि उनके पास इतनी होती नहीं है, एक दिन का सिर्फ उन्हें 1 ही GB मिलता है और वो डाउनलोड नहीं कर पाते इतने बड़े गेम्स को। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए हाईली कंप्रेस्ड MB में गेम्स लाएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा, और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें मैं अगले वीडियो में किस गेम के ऊपर बनाऊँ। ऐसा गेम बताइए जो हमारे एंड्रॉइड के लिए रिलीज़ हो चुका है। तो आपको एक GTA 5 की वीडियो चाहिए एक लास्ट इस चैनल पे, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल रियल वाला GTA 5 बोलूँगा, कोई भी मोड नहीं बताऊँगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो कोई मोड नहीं होगा, वो रियल वाला GTA 5 भी होने का होगा आपका। तो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो में किस गेम के ऊपर बनाऊँ। तो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आपको अपन लेना है अपना प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर से 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे ZArchiver। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं ZArchiver को। तो जैसे आप सर्च करोगे ZArchiver, तो सबसे पहले आ रहा है ZArchiver, आपको कर लेना डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद वापस आपको अपने सर्च का ऑप्शन चले जाना है और यहाँ पर सर्च करना है CPUZ। और जैसे आप सर्च करोगे CPUZ तो आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने वाले से आपको कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा। खुलने के बाद सेकंड लास्ट के ऊपर वाला GPU रेंडर लिखा रहा होगा। यहाँ पे मेरा पावर वेयर दिखा रहा है, आपको एंड्रॉइड भी दिखा सकता है, आपका माली भी दिखा सकता है, आपका ट्रेगा भी दिखा सकता है, और या फिर आपका पावर वेयर भी दिखा सकता है जैसे कि मेरा दिखा रहा है। तो जिसका पावर वेयर होगा वही इन फाइल और APK को डाउनलोड करे, और जिसका माली होगा तो मैंने माली वालों के लिए फाइल वीडियो बना रखी कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में हाईली कंप्रेस में GTA San Andreas डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद तो आपको इसके बाद 2 लिंक मिलेंगी। सबसे पहला लिंक होगा GTA San Andreas APK डाउनलोड लिंक, और दूसरा मिलेगा GTA San Andreas गेम डाउनलोड लिंक। जिसका पावर वेयर होगा वही डाउनलोड करे इन फाइल और APK को। तो सबसे पहले आपको APK वाला लिंक ओपन कर लेना है, और जैसे आप APK वाला लिंक ओपन करोगे तो आपको जैसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपल इसमें क्लिक करना है और APK आपको लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको सेकंड वाला लिंक ओपन कर लेना है, गेम डाउनलोड लिंक GTA San Andreas। और जैसे आप वाला लिंक ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। 238 MB की फाइल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको ये भी डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ZArchiver ओपन कर लेना। चलिए ZArchiver ओपन कर लेते हैं, और जहाँ पे आपने उस फाइल और APK को डाउनलोड करा है उसे ओपन कर लेना है। तो मैंने यूसी नोट्स में डाउनलोड कर रखा है, तो अपना यूसी नोट्स ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा APK और ये रही हमारी फाइल। तो सबसे पहले APK इंस्टॉल कर लेते हैं ओपन करके। तो ये देखिए इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज़ वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है, डन में क्लिक कर देना है। डन में क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये रही हमारी फाइल GTA San Andreas की लाइट फाइल, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इसमें भी ले जाना है, और यहाँ पे एक फाइल फोल्डर होगा com.rockstargames के नाम से, ये फोल्डर आपको लेना है कॉपी। कॉपी के लिए जाने का बैक चले जाना है, बैक चले जाना है, और यहाँ पे एक एंड्रॉइड का फोल्डर होगा, और यहाँ पे एक डाटा का, डाटे वाले फोल्डर में आपको ये कर देना पेस्ट। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। तो जिसका पावर भी आ रहा है वही इस फाइलों को डाउनलोड करे, बाकी ना करे। और जिसका माली है, मैंने माली वालों के लिए वीडियो बना रखी है हाईली कंप्रेस। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फोल्डर पेश हो चुका है com.rockstar के नाम से। तो चलिए अपना गेम ओपन कर लेते हैं GTA San Andreas को, और अभी तक आपने इस वीडियो में लाइक नहीं किया अभी जाके लाइक करें। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, बस थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। चलिए ऑफलाइन में चलते हैं, और ये हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट गेम में चलते हैं, न्यू गेम, और ये हमारा गेम स्टार्ट। तो कुछ स्टोरी दिखाएंगी, तो चलिए थोड़ी सी स्टोरी देख लेते इसकी। तो चलिए स्टोरी काट देते हैं। तो ये देखिए हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है GTA San Andreas। तो चलिए साइकिल तरफ चलते हैं, और ये साइकिल में बैठ चुके हैं, और कंट्रोल हमने कर लिया चूज।
तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ना भूले कि मैं अगली वीडियो किस गेम के ऊपर बनाऊं। तो यार अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।